सो गाइज मैं आ गया इस समय मुरारी पुकुर और यहाँ पे ना बनते हैं आइडल्स। तो आइडल्स मेकिंग जगह है गाइज, यहाँ पे तो बहुत सारी मूर्तियाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। सो गाइज सामने ही ना एक देवी है, तो ये जो नेकलेस है या जो मुकुट है और जो बाजूबन है, ये सब का भी जो काम है ना पूरा मट्टी के साथ किया गया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो देख रहे हो ना ये वाला, तो ये दादा बना रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। और ये जो मट्टी यूज़ कर रहे हैं ये गंगा की मट्टी। सो गाइस इस जगह का नाम मुरारी पुकुर क्यों पड़ा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि साइड में ही ना कैनल जाता है, तो इस वजह से इस जगह का नाम है मुरारी पुकुर। पुकुर माने कैनल होता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब हर एक स्टूडियो में विजिट कर रहा हूँ और घूमने में। और पंडाल तो देख ही रहे हैं हम लोग, तो मैं आपको मूर्तियाँ भी दिखाने आया यहाँ मुरारी पुकुर में। यहाँ माँ दुर्गा की भी आइडल है, तो जो है कि पेंट होने के लिए सिर्फ बाकी है, तो कुछ ही दिन रह गए हैं दुर्गा पूजा में, और जो मूर्तियों का जो काम है वो भी लगभग ख़त्म होने वाला है। सो गाइज इस समय मैं जो स्टूडियो के पास हूँ ना, ये स्टूडियो का नाम है गुलाल पाल स्टूडियो, और यहाँ पे जो बन रही है दुर्गा आइडल आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मतलब बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं यहाँ पे जो बन रही हैं। और यहाँ पे दादा भी काम कर रहे हैं कुछ प्रतिमा। तो ये वाला जो क्या प्रतिमा है, ये वाला कार्तिक है। सोना गाइस सब तरफ चल रहा है बहुत ज़ोरदार से काम, तो यहाँ पे भी बन रही है मूर्तियाँ। और इसी के साथ जो स्टूडियो के अंदर का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरह का नज़ारा है। तो काफ़ी सारी जो मूर्तियाँ हैं वो पेंट हो चुकी हैं और काफ़ी शानदार, अपने आप में एक अलग ही नज़ारा होता है गाइज आकर ना स्टूडियो में विज़िट करना और आके माँ के दर्शन करने। तो काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। गाइस यहाँ पे बताएंगे कि दादा ये जो स्टूडियो था इसका नाम बता दीजिए। दुलाल चंद्र रुद्रपाल का स्टूडियो। तो कितने दिन से चल रहा है काम यहाँ पे? 6 महीने। 6 महीने से काम चल रहा है। हाँ। तो काफी जो यहाँ पे जो मूर्तियाँ है ना काफी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, काफी बड़ी मूर्तियाँ, और काफी जो नामी दामी जो पंडाल है ये सब मूर्तियाँ वहीं जाने वाली है। तो ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये वाली काफ़ी अच्छी मूर्ति है। तो ये क्या बता रहे थे, कहाँ पर जा रही है? पार्क सर्कस मैदान। तो गाइज ये जो मूर्ति जा रही है पार्क सर्कस मैदान, तो काफ़ी अच्छी मूर्ति, काफ़ी बड़ी है। सो गाइज बता दूँ कि जो मूर्तियाँ थी पार्सल वाली, जो अदर कंट्री में जाने वाली थी, अदर कंट्री लाइक अमेरिका, लंडन, इंग्लैंड, जापान, तो वो जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ से पहले ही जा चुकी है। तो सॉरी कि हम पहले उसको कैप्चर नहीं कर पाए मूर्तियों को, लेकिन जो इस जो अभी जो मूर्तियाँ यहाँ पे एट प्रेजेंट में है, तो ये सारी है लोकल कोलकाता की है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं गाइस। तो गाइज़ यहाँ पे जो है ना वो काम हो रहा है माँ के हाथ का, तो यहाँ पे ना हाथ लगाए जा रहे हैं, तो काफ़ी जो फाइन आर्ट वाला जो काम है ना वो है फेस, हाथ, आँख का काम जो है बहुत फाइन आर्ट वाला होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा है ना हाथ बना रहे, और ये जो भी सारा जो काम है ना हाथ का, तो ये इसमें कुछ भी लकड़ी नहीं यूज़ होती है, सारी मिट्टी ही है जो यूज़ होती है, गंगा की मिट्टी है। तो यहाँ पर आना और सामने में खड़े होकर देखना भी बहुत बड़ी बात है, अपने में काफ़ी अच्छा लगता है।